नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर पीआईएल दाखिल हुई तो सीएम ने पूछा बीजेपी को क्या तकलीफ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया है कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है, उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों पर लगातार कुठाराघात चिंतनीय है। सीएम ने कहा है कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर यह किया गया है। झामो ने लिखा है कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे प्रपंच कर हेमंत सोरेन और मैया योजना नहीं रोक पाए तो लग गए हैं अब लटकाओ भगाओ और फंसाओ नीति के तहत योजना रद्द करवाने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामो के इस पोस्ट को एक्स पर रिपोस्ट भी किया है। शराब दुकान के लाइसेंस में गरीब आदिवासी महिलाओं को दे प्राथमिकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नई शराब नीति को गरीब लोगों के हित में बनाने की सलाह दी है। मरांडी ने पत्र में लिखा है कि झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब दलित और आदिवासी महिलाएं हैं जो सड़क किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासी महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी और विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेवा से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता दे। पत्र में लिखा है कि झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब दलित और आदिवासी महिलाएँ हैं जो सड़क किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। हेमंत सोरेन 3 लाख महिलाओं को देंगे सौगात। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम 4 सितंबर को होगा। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के नामकोम खोजा टोली आर्मी कैंप स्थित कुटियातु चौक के पास आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में किया गया है। इस ग्राउंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जिलों की 3 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। बता दें, इसी समारोह में लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण भी हेमंत सोरेन करेंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 5 जिलों में रांची, खोटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के महिलाओं के खाते में पैसे पहुँचेंगे। दावा किया जा रहा है कि नामकुम के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 सितम्बर को 3 लाख से अधिक लाभुक शामिल होंगे। सिपाही भर्ती दौड़ में एक और की मौत, 47 बेहोश। झारखंड में विभिन्न केंद्रों पर उत्पाद सिपाही पद पर बहाली के लिए आयोजित दौड़ में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, साहिबगंज के जैप 9 कैंपस में दौड़ के दौरान बेहोश हुए एक और अभ्यर्थी ने रविवार को दम तोड़ दिया। वह शनिवार को ही वहाँ दौड़ के बाद बेहोश हुआ था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें, 22 वर्षीय विकास लिंडा रांची के नामकुम के रामपुर गाँव निवासी बिजला लिंडा का पुत्र था। इधर रविवार को भी दौड़ के बाद 47 अभ्यर्थियों के बेहोश होने की सूचना है। इनमें मेदिनीनगर के चियाकी एयरपोर्ट परिसर में 9, हजारीबाग के पद्मा केंद्र में 15, पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी में 5, साहेबगंज के जैप 9 कैंपस में 6 और गिरिडीह पुलिस केंद्र में 12 अभ्यर्थी बेहोश हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 22 अगस्त से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर जारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ के दौरान अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। झारखंड के 6850 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे मॉडल। आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत राज्य के 6850 केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी बनाए जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में राज्य में कुल 38,432 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। इनमें से सभी 24 जिलों के 6850 केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र जिलों के अति सुदूर क्षेत्र में भी बनेंगे। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में स्मार्ट टीवी, एलपीजी सिलेंडर और वाटर प्यूरिफायर आदि जैसी सुविधा दी जाएगी। केंद्र के कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए प्ले स्कूल की सुविधा, किताब आदि की सुविधा भी दी जाएगी। रांची के कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी की मांग। पीएलएफआई संगठन लगातार कारोबारियों और ठेकेदारों को टारगेट कर उनसे रंगदारी की मांग कर रहा है। अब संगठन ने रांची के अरगोड़ा बस्ती निवासी कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है।
रकम नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी दी है। इस संबंध में कारोबारी ने शनिवार को अरोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए आवेदन में वीरेंद्र साहू ने कहा है कि 28 अगस्त को PLFI के नाम से उनके व्हाट्सएप पर एक पर्चा और मैसेज आया जिसमें 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई थी। पर्चा में कहा गया है कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई तो उनके साथ साथ उनके परिजनों को भी टारगेट किया जाएगा। उसके बाद वे थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया है। झारखंड में 5 से होगी बारिश। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान आसना का असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा। मार्ग बदल लेने के चलते यह ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसका असर गुजरात तक ही रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात पिछले 4 दिनों से अरब सागर में बना हुआ था। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी के मध्य में बना निम्न दबाव अब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी से होकर विदर्भ की ओर बढ़ गया है। इसमें झारखंड में सोमवार को भी हल्के बादल छाएंगे और मानसून 5 सितंबर से सक्रिय हो सकता है। बता दें रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में 5 और 6 सितंबर को बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 3 दिन से मानसून कमजोर रहा है। ऐसे में राज्य में बारिश में कमी का प्रतिशत बढ़ने लगा है। अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंचायतों में शिविर। राज्य भर में 30 अगस्त से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलाया जाना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन लिए जाएंगे। बता दें स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जय किशोर प्रसाद ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इस योजना अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त किया जाना है एवं जांचों उपरांत इसे स्वीकृति किया जाना है। प्रयास यह किया जाए कि व्यक्तिगत योजनाओं को परिपूर्णता में लागू किया जा सके। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं हो। डॉक्टरों ने बायोमेट्रिक हाजिरी का बहिष्कार लिया वापस। राज्य सरकार के चिकित्सकों द्वारा गत 20 अगस्त से किया जा रहा बायोमेट्रिक उपस्थिति का बहिष्कार समाप्त हो गया है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा है कि संघ की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद बहिष्कार वापस ले लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव के साथ संगठन की बैठक में मांगों पर सहमति बनी थी। विभागीय संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने संघ को बताया है कि बैठक की कार्यवाही बनकर तैयार है, सभी मांगें मान ली गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधान सचिव ने संगठन एवं सभी चिकित्सकों का विश्वास जीता है। यही कारण है कि लिखित में बैठक की कार्यवाही का इंतजार नहीं करते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहिष्कार को वापस लिया गया। उन्होंने कहा है कि अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को वेतन से नहीं जोड़ा जाएगा। चिकित्सक की उपस्थिति का नियंत्रिती पदाधिकारी DDO होंगे। चिकित्सकों का ड्यूटी आवर और ड्यूटी प्लेस फिक्स नहीं है, इसलिए अपने ड्यूटी आवर में कभी भी एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। झारखंड में बदलाव की लहर जल्द दिखेगा असर। चंपई सोरेन। भाजपा का दामन थामने के बाद गृह जिला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन काफी उत्साहित दिखे। कार्यकर्ताओं व समर्थकों से घिरे चंपई ने कहा है कि यह बदलाव की लहर है। यह लहर न सिर्फ कोल्हान बल्कि पूरे झारखंड में जल्द दिखने वाली है। रांची में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चंपई सोरेन रविवार शाम गृह जिला सरायकेला पहुंचे। घंटों कोल्हान टाइगर के स्वागत में लोग सड़कों पर जाम मार रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन का काफिला पहुंचते ही कांडरा गिद्धी बेड़ा टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में समर्थकों ने फूल मालों से लाद दिया। सरकार महिलाओं से शराब नहीं बिकवाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध के मंत्री बैद्यनाथ राम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से नई शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री को भेजे सुझाव संबंधित पत्र पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की स्पष्ट नीति है कि राज्य में महिलाओं से शराब दारू हड़िया नहीं बेचवानी है, इसलिए फूलो झानो योजना लाई गई है ताकि महिलाएं शराब बेचना छोड़कर सम्मानजनक रोजगार शुरू कर सके। उन्होंने कहा है कि समय समय पर सरकार अपनी नीतियों को सुधारती है। इस उद्देश्य से वर्तमान पूर्व और अन्य राज्यों की शराब नीति का अध्ययन कर अधिकारियों से एक प्रारूप मांगा गया है। मैट्रिक और इंटर के टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आज। झारखंड के मैट्रिक इंटरमीडिएट समेत मदरसा व मध्यमा परीक्षा के टॉपर को सोमवार को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक के स्थापना सह सम्मान समारोह में टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें स्वर्ण रजत और कांस्य पदक मिलेगा। बता दें 13 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक, 4 को रजत पदक और 5 को कांस्य पदक मिलेगा। स्टेट टॉपर को 21,000, सेकेंड टॉपर को 15,000 और थर्ड टॉपर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
मोमेंटो व प्रशस्त पत्र भी मिलेगा। मैट्रिक इंटर के तीनों संकायों को पहले दूसरे और तीसरे स्टेट टॉपर को यह सम्मान मिलेगा, जबकि मदरसा की विभिन्न परीक्षाओं माध्यमा और इंटर के स्टेट टॉपर को भी सम्मान मिलेगा। धन्यवाद।